हाय माय एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज सुमन। आज मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा सिस्टिक एक्ने जो मुझे अभी रिसेंटली हुआ है और मैंने इसे ठीक कर लिया है अपने स्किन पर ओवरनाइट। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी पूरा प्रोसेस कैसे मैंने ठीक किया है सिस्टिक एक्ने को। अगर आपको है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड लेट्स बज इन टू दिस वीडियो। सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ एक्ने और पिम्पल। जो आपको एक्ने और पिम्पल होते हैं, ये आपको 5 चीज़ें हैं जिनसे आपको एक्ने हो जाती हैं। मेरे केस में मुझे मेडिकेशंस की वजह से हुआ है, बिकॉज मेरे अभी एक्ने की रीज़न भी यही है और मेडिकेशन चल रहा था तो इसलिए मुझे ये हुआ है सिस्टिक एक्ने। और भी 2-3 जगह हुए हैं, ये सबसे बड़ा वाला है तो मैं आपको शोकेस कर रही हूँ। सो गाइस, मैं इसका ट्रीटमेंट दिखा रही हूँ आपको। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिएगा एंड ऑल्सो कॉमेंट में बताना कि ये ट्रीटमेंट आपको कैसे लगा। सो अब चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो यहाँ पर गाइज मैं यूज़ कर रही हूँ स्पॉट पैच। ये हाइड्रोकोलॉइडल पैचेस होते हैं, मैंने इसे अमेज़ॉन से ट्राई आउट करने के लिए परचेज़ किया था। तो मैं इनमें से एक स्टिकर निकाल कर, जो मेरे पिंपल के साइज़ का है, यू कैन सी जो साइज़ है, इसके अकॉर्डिंग आपको लेना है और इसके ऊपर मैंने लगा लिया है। एंड ऑल्सो गाइज, स्किन केयर के लिए मैंने इससे पहले सिर्फ फेस वॉश करके एक लाइट मॉइस्चराइज़र लगा लिया है और मेरा जो एक्ने है वो बिल्कुल ड्राई है। कुछ अगर इस पर मॉइस्चराइज़र लगेगा तो ये अच्छे से स्टिक नहीं कर पाएगा। आपको थोड़ा सा इसे प्रेस करके रखना है और इसे ओवरनाइट रखना है। अब हम इसे सुबह ओपन करेंगे। आज है डे 2 और मॉर्निंग में आपको मैं दिखाने जा रही हूँ मेरा सिस्टिक एक्ने के ऊपर ये जो पैच लगा हुआ है, ये कम्प्लीटली इसके साथ क्या कह सकते हैं, इस बिल्कुल अटैच हो गया है और ये रिमूव नहीं हो रहा है इससे। तो इसे रिमूव करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्ने है। मेरा पूरा जॉ लाइन पेन से बहुत ज़्यादा सेंसेशन में है 2-3 दिनों से। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसे कैसे निकाल रही हूँ अपने फेस पर से। तो मैं आपको एक बेटर शॉट देना चाहती हूँ कि यहाँ से कैसे निकाला जाए। तो आप इसे साइड से ऐसे पील करिए एंड यू कैन सी कंप्लीट पस जो इसके बाहर से आ रहा है। एंड यस गाइस, मैं बताना चाहती हूँ मुझे इस टाइम कोई पेन नहीं हो रहा है और ख़ास बात यह है कि ब्लीडिंग नहीं हो रही है। और गाइस, सारा जो पस है वो हाइड्रोकोलाइडल पैचेस के ऊपर आ जाता है। अब मैं क्यू टिप की हेल्प से इसे क्लीन कर लूँगी और यस गाइस, जैसे मैंने कहा कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो यस, बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं हो रही और पेन भी नहीं हो रहा। मुझे सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस इसी बात की थी कि मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है। एंड डे 3 मैं आपको शोकेस कर रही हूँ। इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं लगाया था, ओनली एलोवेरा जेल लगा के छोड़ा था और ये डे 3 में अपने आप ही हील होना स्टार्ट हो गया है। और अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आप ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे। सो यस गाइस, ये डे 4 है एंड यू कैन सी मेरा फेस बिल्कुल क्लियर आउट हो गया है। एंड जो मेरा होल बना हुआ था एक्ने का, वहाँ पर थोड़ा सा पिगमेंटेशन हो गई है जिसकी वजह से स्कारिंग आ गई है, बट मैं इसे ठीक कर लूँगी होम ट्रीटमेंट से। मैंने इसकी भी वीडियो शेयर कर रखी है और ये भी वीडियो शेयर कर रखा है अगर आपके फेस पर कोई आइस बर्न हो जाता है तो उसे कैसे ठीक करना है। तो यस गाइस, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, वो एक बार ज़रूर शेयर करना अपने व्हाट्सएप पर, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो अपने पिम्पल और सिस्टिक एक्ने से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है अपना ओवरनाइट लाइव ट्रीटमेंट दिखाने के लिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना एंड ऑल्सो कॉमेंट में बताना। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और अगर आपके कोई क्वेश्चन है वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। सो या गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय, लव या। अगर आपको कोई न्यू वीडियो देखनी है, कोई ऐसा टॉपिक जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो वो भी कॉमेंट में बता सकते हैं। बाय गाइस, लव या।